सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा इंडिया के नंबर वन गेमिंग प्लेटफॉर्म रेडियाना के बारे में, जो साल 2010 से बने हुए हैं। यहाँ आपको बेस्ट एक्सपीरियंस मिलता है 160 प्लस गेम्स और 15 प्लस साइट्स का। 100 प्लस ब्रांच इनके इंडिया में है, जहाँ आपको 24/7 का विड्रॉल मिलता है और नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक और व्हाट्सएप नंबर भी है। और अभी कॉन्टैक्ट करने पर रेडियाना फ्री में काफी सारा बोनस देंगे, तो अभी ज्वाइन कर लो रेडियाना। दोस्तों, आईपीएल 2022 में लगभग सभी टीमें 2 से 3 मैच खेल चुकी है, तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आईपीएल 2022 के प्ले ऑफ में कौन कौन सी 4 टीमें क्वालिफाई करेगी, और हम आपको ये भी बताएंगे कि किस टीम को प्ले ऑफ में जाने के लिए कितने मैच जीतने पड़ेंगे, और साथ ही साथ क्या चेन्नई, मुंबई और बेंगलोर की टीम इस साल प्ले ऑफ में जा पाएगी या नहीं। तो ये वीडियो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें, और वीडियो के नीचे से रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बगल वाले नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर ले। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम आपको बता दें कि आईपीएल 2022 के प्ले ऑफ में क्वालिफाई करने के लिए किसी भी टीम को कम से कम 8 मैच जीतने पड़ेंगे। तो 1 by 1 सभी टीमों के प्ले ऑफ में जाने के चांसेज के बारे में बात करें, तो सबसे पहले सनराइजर्स हैदराबाद के बारे में बात करें, तो इस टीम का नेट रन रेट काफी ज्यादा खराब है, तो इस टीम को प्ले ऑफ में जाने के लिए कम से कम 8 मैच जीतने ही पड़ेंगे, और साथ ही साथ अपना नेट रन रेट सुधारना पड़ेगा। इसके बाद चेन्नई की टीम के बारे में बात करें, तो खराब बॉलिंग लाइनअप के चलते चेन्नई की टीम 3 में से 3 मैच हार चुकी है, लेकिन अगर ये टीम प्ले ऑफ में जाना चाहती है तो इस टीम को आने वाले मैचों में से कम 8 मैच जीतने पड़ेंगे, यानी कि आने वाले 11 मैच में से कम 8 मैच चेन्नई की टीम को जीतना पड़ेगा। इसके बाद मुंबई इंडियंस के बारे में बात करें, तो ये टीम भी खराब बॉलिंग लाइनअप के चलते इस बार प्ले ऑफ से बाहर हो सकती है। हालांकि मुंबई की टीम हमेशा से अपने लेट कमबैक के लिए जानी जाती है। इसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बारे में बात करें, तो आरसीबी की टीम ने अभी तक 1 मैच जीता है और 1 मैच हारा है, तो आरसीबी टीम के परफॉर्मेंस के ऊपर अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हालांकि इस टीम का बॉलिंग लाइनअप और साल के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत है, तो काफी हाईली चांस है कि आरसीबी की टीम इस बार प्ले ऑफ में क्वालिफाई कर जाए। इसके बाद लखनऊ सुपर जायंट्स की टीम के बारे में बात करें, तो इस टीम का बैटिंग डिपार्टमेंट काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, और ये टीम भी 1 मैच जीती है और 1 मैच हारी है, तो यहाँ पर लखनऊ की टीम के भी पास चांस है कि ये टीम प्ले ऑफ में चली जाए। हालांकि लखनऊ का बॉलिंग लाइनअप थोड़ा सा वीक नजर आ रहा है। इसके बाद दिल्ली कैपिटल्स के बारे में बात करें, तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम का स्क्वाड काफी ज्यादा मजबूत है, और अभी तक ये टीम 1 मैच जीती और 1 मैच हारी है, लेकिन दिल्ली के स्टार बल्लेबाज डेविड वार्नर, मिचेल मार्श और स्टार गेंदबाज नौरखिया जब जुड़ जाएंगे, तो दिल्ली की टीम प्ले ऑफ में जाने का रास्ता आसान कर लेगी। इसके बाद पंजाब किंग्स के बारे में बात करें, तो ये टीम 2 मैच जीत चुकी है और इस टीम का बैटिंग लाइनअप काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव है, तो पंजाब के पास भी चांस है कि ये टीम प्ले ऑफ में चली जाए, जहां पर पंजाब ने 3 में से 2 मैच जीते हैं। इसके बाद अगली टीम है गुजरात टाइटंस की टीम, और आईपीएल शुरू होने से पहले इस टीम का स्क्वाड थोड़ा सा वीक नजर आ रहा था, लेकिन आईपीएल 2022 में अभी तक गुजरात ने काफी कमाल का परफॉर्मेंस किया है, तो ये टीम इस साल प्ले ऑफ में जाने का काफी बेहतरीन चांस रखती है। इसके बाद कोलकाता नाइट राइडर्स के बारे में बात करें, तो इस टीम के ऑलराउंडर रसेल काफी बेहतरीन फॉर्म में है, तो कोलकाता की टीम के पास भी बेहतरीन चांस है कि ये टीम प्ले ऑफ में चली जाए। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स के बारे में बात करें, तो मेरे अकॉर्डिंग ये टीम 100% प्ले ऑफ में जाएगी, क्योंकि इस टीम का बॉलिंग और बैटिंग पूरे आईपीएल में सबसे ज्यादा मजबूत है। तो आपके हिसाब से कौन सी 4 टीमें प्ले ऑफ में जाएगी, चारों टीमों का नाम कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।